जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हार की, बागड़ वाले की जय, नीले घोड़े वाले की जय। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपको वो बात बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा दिन जिस दिन अगर बाबा की प्रार्थना की जाए, बाबा की आराधना की जाए, बाबा का ध्यान किया जाए तो बाबा दर्शन देते हैं, केवल एक दिन में। जी हाँ, केवल एक दिन में अगर बाबा का ध्यान किया जाए, आराधना की जाए, पूजा की जाए, बाबा के बारे में सोचा जाए, उनसे प्रार्थना की जाए तो बाबा दर्शन देंगे आपको, है ना मजेदार बात। तो ये बात आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जहां लिखा हुआ है चेला गोरख का, उसके बिल्कुल बराबर में है सब्सक्राइब बटन, उस बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सभी वीडियोस को शेयर कीजिएगा सभी भक्तों को, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है बाबा के इस चैनल के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं का प्रचार करना, उनके मंत्रों का प्रचार करना, बाबा के सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ वो एक खास दिन साल का, जिस दिन अगर आपने बाबा की आराधना की, पूजा की या ध्यान किया तो बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे, उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। जय गुरु गोरखनाथ। तो भक्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर, गुरु महाराज का चैनल चेला गोरख का। तो चलिए बात करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, समय खराब नहीं करते हैं, और बिल्कुल सीधी सी बात करते हैं कि कौन सा वो दिन है जिस दिन बाबा की आराधना पूजा साधना करने से, ध्यान करने से ही एक ही दिन में बाबा दर्शन देते हैं। तो वो दिन है बाबा का आने वाला है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ही। यस, आज है, कितनी तारीख हो गया, आज हो गई है 19 जुलाई। हाँ जी, आज हो चुकी है 19 जुलाई 2021, और ये दिन है 24 जुलाई 2021, यानी गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई, आज से ठीक 5 दिन बाद शनिवार को 24 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा, और मेरे गुरु महाराज की कृपा है पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, उस दिन गुरु महाराज सबको दर्शन देते हैं। अगर आप गुरु जी को मानते हैं, आप गुरु महाराज को मानते हैं, आप गोगा जी को मानते हैं, आप गोरखनाथ जी को मानते हैं, या आप नाथ संप्रदाय में किसी भी गुरुनाथ जी को मानते हैं, तो भैया ये दिन आपके लिए है 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन। बस कुछ नहीं करना है उस दिन, अपने गुरु महाराज को याद करना है, उनका ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप अगर आपने सच्चे मन से, दिल से, भक्ति के साथ बाबा की सेवा कर ली उस दिन उनको याद कर लिया, उन दिन उनका ध्यान कर लिया, तो भैया आपके तो हो गए वारे न्यारे, आपको महाराज दर्शन जरूर देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद कृपा जरूर करेंगे। यही है गुरु गोरखनाथ जी की महिमा, यही है गोगा जी की महिमा, यही है मेरे नाथ संप्रदाय की, गुरुओं की महिमा। बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत फल देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो भैया गुरु पूर्णिमा के दिन कनेक्ट कर लो गुरु को अपने। तो मित्रों भक्तों याद रखिएगा, 24 जुलाई दिन शनिवार का है, इस बार गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूनम का पर्व है, कितना अनोखा दिन है अपने गुरु महाराज को मनाने का, उनकी स्तुति करने का, उनकी वंदना करने का। तो भैया गुरु पूर्णिमा के दिन मना लो बाबा को, उनकी पूजा कर लो, उनकी आराधना कर लो, ध्यान कर लो। केवल एक ही दिन है भाई, बहुत दिन नहीं करनी आपको, मतलब ये नहीं है कि आपको इतने मंत्र पढ़ने हैं, आपको इतने दिन पूजा करनी है, आपको इतने दिन की व्रत रखने, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। केवल गुरु पूर्णिमा वाला दिन एक दिन के लिए अपने महाराज को ध्यान लो, अपने गुरु जी को मना लो, उनकी साधना कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, ध्यान कर लो, केवल एक दिन। एक दिन अगर आपने ये कर लिया भाई साहब,
दर्शन पक्के हैं, मनोकामना पूर्ण होगी, पक्का है, आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा, 101% मिलेगा, 100 पे भी 1% ज्यादा कह रहा हूँ, 101% मिलेगा। मैं मनाना तो आपको ही है, मैं थोड़ी ना, मैं तो अपना कर्म करूंगा, आप अपना कर्म करो। देखिए हर किसी का अपना अपना कर्म है, आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना कर्म करता हूं, और जो भक्त हैं वो अपना कर्म करेंगे। तो मेरे बाबा के सेवकों, मेरे बाबा के चेलों, मेरे बाबा के भक्तों, मेरे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आज से 5 दिन बाद आने वाली है, शनिवार के दिन 24 जुलाई 2021 गुरु पूर्णिमा का दिन है, और गुरु पूनम पर हम अपने गुरु जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो गुरु महाराज का ध्यान करना है आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, उनकी भक्ति करनी है, उनको अपने दिल से कनेक्ट करना है और उनकी साधना करनी, जैसे भी आप कर रहे हैं वैसे कीजिए। मैं आपको अभी कोई स्पेसिफिक विधि नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन जैसे भी करना चाहें, बाबा की साधना करें, आराधना करें, उनकी भक्ति करें, उनका ध्यान जरूर करें, उनकी आराधना जरूर करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा वाले दिन बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, बाबा अपने गुरु जी की आराधना करते हैं, और उस दिन जो भी उनकी आराधना पूजा ध्यान करता है, बाबा उसको दर्शन जरूर देते हैं, सिद्धि उसकी जरूर पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एक दिन 24 जुलाई 2021 जो इस साल में है, नेक्स्ट ईयर फिर वो चेंज हो जाएगा, गुरु पूर्णिमा चेंज होती है, डेट चेंज होती है। तो इस साल 24 जुलाई 2021 को शनिवार का दिन है, एक दिन, केवल एक दिन बाबा की आराधना पूजा साधना करनी है, ध्यान करना है, दर्शन उनके जरूर होंगे। तो मेरे गुरु गोरखनाथ, मेरे बाबा महाराज सभी पर अपनी कृपा करें, सभी पर अपना आशीर्वाद बताएं, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ आपको चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा मुझे भी प्राप्त हो, सभी को प्राप्त हो। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा महाराज, जय जाहिर महाराज की जय।